नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका हमारे चैनल ऑक्टोपेट गुरु में स्वागत है। और लीजिए, मैंने आपके लिए आज बहुत ही जबरदस्त गरबा डांडिया जो पेच है, जो ज़्यादातर नवरात्रा के समय में बजता है, वो पेच लेके आया हूँ। और ये पेच का पैटर्न आपने शुरू में देख चुके हैं, थोड़ा सा क्लिपिंग मैंने बताया था। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि इस पेच में हैंड कैसे चलाना है या गरबा बीट कैसे बजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बजा के एक बार फिर बता देता हूँ, है ना। तो फिर उसके बाद चलते हैं, फिर अपने हैंड कैसे फ्री करें, दोनों हैंड को चलाना कैसा है और कैसे बजाना है। ठीक है, ये पैच है। अब चलते हैं इसके हैंड चलाने के ऊपर। तो सबसे पहले हम कैसा करेंगे, स्टार्टिंग कैसा करना है, जैसे ढोलक या तबला वाला गाने के बीच में जैसे तोड़ मारता है या पिकअप स्टार्टिंग करता है, कैसे करते हैं? आई बात समझ में? कैसा आपको थोड़ा सा देखने में सरल लगेगा, ये जो स्टिक है यहां जंप कर रही है। ये बात आप ध्यान से देखिएगा कि ये स्टिक ऐसी नहीं बज रही है, बजाना ऐसे ही है, लेकिन आया समझ? ये हो गया इसका पैटर्न स्टार्टिंग का। इसके बाद अपन को उसका पूरा पैटर्न बजाना कैसा है, कि जैसे तोड़ मारे अपन ने। ये हो गया इसका मैन पैटर्न। तो मैन पैटर्न बजाने के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे दोनों स्टिक देख रहे हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? ये पेज की खास बात यह है कि इसमें स्टिक का कमाल है, इसमें स्टिक का कमाल है ना। स्टिक आपको यहां जंप कराना पड़ता है, और जब तक आप ऐसा ना पकड़ेंगे, जब तक स्टिक को ऐसा नहीं पकड़ेंगे तो स्टिक ऐसी बोलेगी, है ना, समझ आ रहा है? तो चलिए पैटर्न देखते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हो गया। स्टिक कैसे ले जाना है, मेरा लेफ्ट हैंड बेस रहता है, आपको बताया। स्टिक यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे करती है और ऐसे करके छह डब्बे होती हुई फिर एक में आती, कहां से, 1 2 3 4 5 6, है ना। और ये यहां चलता है और यहां आता है, देखते हैं कैसे। आया समझ में? आपको ऐसा बजाते नहीं बन रहा है, किस टाइप का। अब ये क्रैश है, ये क्रैश को लेंगे तो पेच उठ के आता है, भर के आता है। आप इसको जैसे रेगुलर नहीं भी लेना चाहें, जैसे एक बार लेंगे उसके बाद लेना नहीं भी चाहें, चलता है। जैसे मैं एक बार इसको लूंगा उसके बाद बजाते समय दोबारा ये डब्बे का यूज नहीं करूंगा। कैसे करेंगे? आई बात समझ में? ये हो गया इसका मैन पैटर्न। अब मैन पैटर्न के साथ आप देखेंगे ना, ये वाली स्टिक मेरी यहां भी यूज होती है। कैसे? यहां आ रही है, आप ना आप ध्यान देना, आपको जो इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, मैन ये पैटर्न की पूरी जान क्या है, जो टॉम बज रहे हैं ऊपर के और जो उनके साथ जो ताशा लगा हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए आप। किसकी? ये बीट आपने क्लियर कर लिए तो आपको पेच बजाना बन ही जाएगा। ठीक है, कौन सी? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि स्टिक को आप यहां नहीं भी लाना चाहें तो उसको कैसे बजाएंगे, जैसे मैंने मैन पैटर्न आया ना यहां, तो यहां यहां नहीं भी लाएंगे तो हम इसी से बजा सकते हैं, एक ही हाथ से, और इसको हम यहां रख सकते हैं, देखना कैसे।
मैं बहुत ही सरल आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वो बस आपके ऊपर है कि आप किस कंडीशन तक समझ पाते हैं। देखते हैं, अब मैं स्टिक यहाँ नहीं ले जाऊँगा, मैं स्टिक यहीं रखूँगा। थोड़ा सा पेज में फ़र्क आएगा लेकिन बजेगा गरबा ही। आया समझ में? आप स्टिक देखो, मैं स्लो से बता रहा हूं, आप स्लो से भी समझ सकते हो, ठीक है। ये पैटर्न हो गया, इसके बाद ये इसका जो मेन पैटर्न हो गया, इसका टुकड़ा हो गया, है ना। और इसको एंड कैसे करते हैं? इसका एंड भी ये है और स्टार्टिंग भी यही है। स्टार्टिंग भी अपन जैसे स्टार्ट करना है तो और एंड करना है तो एंड करना है तो कैसे करेंगे? ये हो गया इसका एंड। देखने सुनने में सरल लगता है दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मेहनत करोगे मेहनत आपके ही रंग लाएगी, है ना। नहीं करोगे तो कोई मतलब का नहीं है। तो चलिए, इसका मैंने 3 से 4 पैटर्न आपको बता दिया, पूरे डब्बों को यूज़ कैसे करते हैं, कुछ डब्बों को यूज़ कैसे नहीं करते, फिर भी आप पैच कैसे बजा सकते हैं। उसके बाद इसका आप जब दुगन बजता है ना, इसका जब दुगन बजता है तो दुगन को कैसे चलाना है ये देखिए। मैं पहले मेन बीट पे आऊँगा, उसके बाद इसका दुगन पैटर्न जो थोड़ा फास्ट जाता है इसका वो बताऊँगा। आई बात समझ में? कैसा? ये इसका हो गया दुगन पैटर्न। दुगन पैटर्न में क्या करना है, स्टिक देखेंगे अली आप, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा पैटर्न। तो इसका सेकंड पैटर्न देखते हैं फिर से एक बार आपको। ये आ गया आपका सेकंड पैटर्न। तो ये पैच आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसके पहले मैं वीडियो बंद करूं, आपको पूरे पैटर्न एक एक करके बजा के बता रहा हूं, ठीक है। पहला पैटर्न क्या था मेरा, ठीक है, पहला पैटर्न क्या था, ये पहला पैटर्न था, है ना। इसमें बजाने का तरीका बताया था आपको, स्टिक को जंप कराना है। इसके बाद इसका मैन ठेका, जो मैन बीट आती है क्या आता है, इसका फिर दुगन, ये हो गया इसका दूसरा पैटर्न। आप वीडियो को फिर से एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पेज कैसा लगा और आपके नेक्स्ट पेज की फरमाइश क्या है आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, है ना। और जो भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं कॉल नंबर वीडियो में देता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।